अस्सलाम वालेकुम जैन, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक होंगे। निकाल देखिए मुशर्रम काय, मेरा बेटा कमज़ोर हो गया। जानू मेरा छोटा वीक हो गए हो तो मैं आज आई हूँ दो दिन बाद मामा के घर से। मामा के घर शिफ्टिंग हो रही थी, आप लोग बता दो घर ले रहे हैं तो शिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे। शिफ्टिंग फाइनल शिफ्टिंग उनकी हो चुकी है, आधा काम हम कर चुके हैं, थोड़ा सा काम रहता है अभी। मैं फिर वापस जाऊँगी घर, बस कोई शादी भी है हम लोगों ने एक दो दिन तक शादी भी जाना है, वो व्लॉग भी आप लोगों से शेयर करूँगी। कितना खुश हो गई तो मैंने कहा व्लॉग तो डालूँ ना अपना, क्या बताऊँ क्या करें क्या नहीं। चाल बेटा नीचे आ जाओ, शाल ना ऊपर चढ़ी दिखाती हूँ। चाल आ जाओ बेटा नीचे, नहीं मैं मामा ऊपर नहीं आते, आप नीचे जाना नहीं नानों के घर दोबारा आपने वापस। आ जाओ मेरा पुत्र, क्या हो गया आपको, ये बहुत खुश होता है। आए मेरा बेटा, आ जाए नीचे गिर जाएंगे, आ जाओ। नहीं पारी बेटी, आ जाओ आ जाओ, मैं अंदर चली जाओ फिर, आप नहीं आ रही हो। ओके बाय बाय। ये मेरा छोटा सा जानू है। मैं हमने दो दिन था मतलब बारात पर नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं है, मैंने अभी आईब्रो भी करवाने जा रही थी, तक वो नहीं कराई तो मैंने इनको कहा कैसे बनीमे में दिन चले जाते हैं। और हालत ऐसी जैसे मौसम वाली थी, वहाँ पर काम करके काम वाले भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें काम कर सकते हैं। मिकाइल बात कर लूँ मैं पहले, मिकाइल को सुन लें आप सारे। कल बोलो क्या कह रहे हो, क्या कह ले हो, क्या कह ले हो, क्या कह ले हो, क्या मेरी चीज़ ज़्यादा है मामा को। अच्छा अवा कर दो, अवा कर दो, अवा करते हैं अवा कर दो, चुटके जाओ। मामा को अवे करने वाला बच्चा है, मामा को अवे करने वाला, बहुत शरारती है आजकल, बड़े बड़ी शरारती करते हैं। आप किधर थी, ऊपर थी, कहाँ कली थी, ऊपर इतना मामा पास। ये सारा मकाई गंदे मुझे छूकर लगा दिए, शाल नहीं बेटा। हम लोग जाएंगे दो दिन तक, नहीं ये बात नहीं करने देगा आज मुझे, उसको वजह से पता चला क्या ना कुछ है, अभी मुँह में बात शुरू हो जाता है। रेम गया मैं बाहर किसी काम से, तो रेम के आने तक तो मैं व्लॉग नहीं रखूँ क्योंकि रेम को अपना काम है, मैंने किसी अपने किसी काम से जाना है, पार्लर भी जाना है मैंने, और उसके बाद मैंने जाना है मामा के घर वापस। मेरे काम रह गया वो भी करवाना, भी घर आई अपने बर्तन धोने, अपने घर का काम भी मैंने खोला हुआ। उस दिन से ये कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, सर्दियों के कपड़े लैदा कर रही थी, गर्मी के कपड़े निकाल रही थी, गर्मी आ रही है। निकाल चुप हो जाओ नहीं बोलते इतना, तो मैंने कहा कि कहा अभी अपना काम बाद में करूँगी, पहले मामा की शिफ्टिंग करवा दूँ। तो हम लोग भी अभी एक महीने बाद हम लोग भी शायद ये भी घर शिफ्ट कर लें, अभी पता नहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा भी प्लान है कि हम लोग चेंज कर लेंगे यहाँ से घर ईद के बाद। तो इंशाल्लाह फिर कोई अच्छा सा घर देखेंगे किसी अच्छी जगह पे। तो उनकी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे उनकी शादी है, तो उन्होंने कहा जी हैं हमें घर खाली कर दें, अभी वो कह रहे थे, पर मैंने उनको कहा ईद के बाद हम लोग करेंगे, तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे। इनका एक देखो ज़रा, अभी मैंने घर में बहुत गंद डाला हुआ है, इतना गंद डाला हुआ है, मैं तो नीछे ही बैठ गया हूँ। परेशान ये मेरी पाली छिपुत्री इस्लाम करो, ये शाल को उस दिन ना सिगरेट लग गया था ना अब्बा से, उसका फेस ख़राब हुआ भाई, ये फिर सिगरेट लग गया था, ये पीछे खड़ी हुई थी लग गया, वो बास्केट साथ खेलना शुरू हो गया। मिठाई जी आपको दिखाओ, ये देखें क्या कहते हैं, ये देखें आपको नज़र नहीं, आपको दिखा भी नहीं रही ना मैं। तो बस दुआ करें अल्लाह पाक हमें कुछ अच्छा सा घर ढूंढ के दे दे, तुम अच्छी चीज़ें कहाँ पे जाएँ। तो शिफ्टिंग करना सबसे मुश्किल काम है, घर में से आपको कर दिया है, क्योंकि मैंने रमज़ान पूरी में ना शिफ्टिंग करनी है, वो करनी है, पैकिंग करनी है, और उसके बाद मैं कल बाहर जा रहा है। रमज़ान में करूँगी अपने घर की सारी जो भी पैकिंग वगैरह, तो आफ्टर ईद मतलब ईद जब गुजरेगी तो इंशाल्लाह फिर हम लोग घर चेंज करेंगे। फिलहाल तो सारी पैकिंग करके रखती हूँ, सारी साइड पे रखती रहूँगी जहाँ पे ये टेबल लाउंज में रखती रहूँगी, ताकि सामान पैक हुआ फिर उठाने में और करने में आसानी हो। तो बस वो गाड़ी करवाएंगे और सामान छुमान ले जाएंगे। घर अब देखिए कहाँ ढूंढेंगे किधर, वो तो वो वाला व्लॉग भी आपसे शेयर करूँ। फिलहाल अभी एक महीना पूरे बाद हम लोग घर शिफ्ट कर लें, इंशाल्लाह करेंगे। कह जाओ ना बहुत तंग है कुत्ता बच्चा। तो बस मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ क्या क्या कर रही है, गायब हो जाती है इसको करें। तो मेरा व्लॉग बस यही था, तो दुआ में याद रखिएगा जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और
अल्लाह हाफिज़। बाय बाय कर दूँ कैन, कल बाय बाय कर दो ना।